नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं काजल। जनवरी 2020 से सरकार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत करने जा रही है। 4 जनवरी से शुरू होने वाले इस सर्वेक्षण में अपनी कथित दक्षता साबित करने के लिए नगर निगम ने प्रयास शुरू कर भारी सजावट कर दिखावा शुरू किया है। जबकि शहर की स्वच्छता मामले में मैदानी हकीकत कुछ और है। अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए निगम ने सजावट के नाम पर चित्रकारी करवाई है, लेकिन गंदगी के ढेर, मवेशियों का सड़कों पर जमावड़ा, चौक पड़ी नालियां और जर्जर सड़क, बेशुमार गड्ढे अपने अच्छे दिन की आस में ही हैं। शहर के मऊ रोड सर्कल स्थित रोटरी फव्वारे को सवारा गया है। वहीं सिविक सेंटर स्थित सुलभ शौचालय की दीवारों पर चित्रकारी की गई है। अंदर के टाइल्स भी बदले गए हैं। अब स्टैंड स्थित सुलभ शौचालय की भी भारी सजावट शुरू की है। जबकि मैदानी हकीकत कुछ और है। शहर में गंदगी के ढेर, चौक पड़ी नालियां, जर्जर सड़क और बेशुमार गड्ढों के साथ ही हर तरफ आवारा मवेशियों के झुंड निगम के प्रयासों को नाकाफी साबित कर रहे हैं। हालांकि 2 दिनों से शहर की सड़कों पर निगम आयुक्त नजर आते हैं। आयुक्त के निरीक्षण के बाद कुछ क्षेत्रों का अतिक्रमण हटाया गया और सफाई करवाकर झाड़ियों को कटा गया है। सर्वेक्षण के लिए पहले जो प्रयास किए गए थे वे कोई खास असरदार नहीं रहे। सिर्फ ऊपरी दिखावा होने से अब जस की तस होकर अपनी दुर्दशा पर मजबूर ही नजर आ रहे हैं, जो यह साबित करते हैं कि निगम के पास स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। लिहाजा निगम की सफलता में हमेशा संशय ही रहता है। कटारिया वायर्स उद्योग में कार्यरत श्रमिक आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। गुरुवार रात उद्योग में बॉबिन चढ़ाते हुए एक श्रमिक घायल हो गया। रिकर्ड लेबर पीएनटी कॉलोनी स्थित मालव नगर निवासी जगदीश पिता छितरलाल जायसवाल की उंगली में गंभीर चोट आने से श्रमिक जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। श्रमिक बताते हैं कि अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद श्रमिक की तबीयत बिगड़ने से रात को उन्हें भर्ती कर लिया। सुबह श्रमिक जगदीश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का सुबह पोस्टमार्टम किया गया। क्योंकि उद्योग श्रमिक उपचार में लापरवाही होने की शंका जता रहे हैं। कटारिया वायर्स उद्योग यूनियन के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने एंड टाइम्स को बताया जाता है कि उद्योग में सुरक्षा और तत्काल उपचार के कोई प्रबंध नहीं है। लगभग 10:30 के आसपास जो है कटारिया वायर में जो है एक लेबर जिनका नाम जगदीश पिताजी छीतर जी है, वो बॉबिन्स लोड कर रहे थे तो उनकी कंगुली में जो है चोट लगी। चोट लगने के बाद जो है उनको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल ला कर के उंगली की ड्रेसिंग कराई और ड्रेसिंग कराने के बाद जो है लाके वाके भी आए हैं, आए और उसके बाद जो है उनको चूंकि बेचैनी जैसी हो रही थी इसलिए उनको यहाँ नगर पालिका वार्ड में जो है भर्ती कर दिया गया। और सुबह लगभग जो है 6 बजे के आसपास, ऐसा मुझे समाचार है, 6 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई और अभी इस वक्त जो है उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाई गई। क्या आपको लगता है कि उपचार में लापरवाही हुई है? अब ये तो जो है जब तक लेबर्स है या जो है लेबर के सहयोगियों से जब बात की जाए तो ही इसका हम उत्तर दे सकेंगे। सरकार के बेहतर स्वास्थ्य योजना को सरकारी अस्पताल में बैठकर ही ध्वस्त करने का खेल जोरों से पनपने लगा है। इस खेल में प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े लोग और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर बैठक कर BHMS और BAMS की डिग्री के लिए जुटे प्रशिक्षु डॉक्टरों की सक्रियता रहती है। इन सक्रिय लोगों के इशारे पर निजी अस्पतालों के कारोबार को पनपाने का बचा कुचा काम सरकारी अस्पताल परिसर में अड्डा बनाए खड़े रहने वाले कथित दलाल निपटाने में सक्रिय रहते हैं। सरकारी अस्पताल की आड़ में निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने वाले इन कथित लोगों ने अस्पताल परिसर में निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस को खड़ा कर पार्किंग स्थल बना दिया है। अस्पताल सूत्रों की माने तो मरीजों को रेफर करने का दबाव बनाया जाता है। उपचार में लापरवाही और दवाइयां उपलब्ध नहीं होना बताकर परिजनों को डराया जाता है, फिर मरीज को निजी अस्पताल में रेफर करवाकर निजी अस्पताल की एम्बुलेंस से ले जाकर दलाली वसूल दी जाती है। सरकारी अस्पताल परिसर में निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़े करने पर कलेक्टर रुचिका चौहान तथा अस्पताल प्रभारी शिराली जैन भी आपत्ति ले चुकी थी। बावजूद इसके अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इस मामले में रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन महेंद्र गादिया ने बताया, रेड क्रॉस और जिला अस्पताल की एम्बुलेंस होने के बाद भी मरीजों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग सक्रिय हैं। जिला अस्पताल में पहले समाज सेवी संस्था के लोग मदद करते थे, जिन्हें अस्पताल और जिला प्रशासन ने हटा दिया है। दादी जब रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं और अभी देखने में आया है कि जिला चिकित्सालय में प्राइवेट एम्बुलेंस का जमावड़ा लगा रहता है, क्या जिला चिकित्सालय और रेड क्रॉस की एम्बुलेंस खराब हो गई है या यहाँ से हट गई है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है, अभी लगभग डेढ़ वर्षों सवा वर्षों से चुनाव नहीं हुए रेड क्रॉस के। रेड क्रॉस की एक समिति रहती थी जो इसका संचालन भी करती थी, और रेड क्रॉस की देखरेख में जब एम्बुलेंस थी तब आप देखिए कार्डिक एम्बुलेंस भी कंटिन्यू चल रही थी, या 10 से 15 हज़ार रुपये की बचत लोगों को इंदौर जाने में अहमदाबाद जाने में होती थी। लेकिन अभी वर्तमान में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एम्बुलेंस खड़ी रह जाती है। अभी भी 4 एम्बुलेंस रेड क्रॉस के पास है। इसके अलावा जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस तो प्रारंभ से ही वो रेड क्रॉस की एम्बुलेंस भेजते थे, उनके पास एक एम्बुलेंस मात्र है जो उसका उपयोग वो समय समय पर कभी करते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस का जहाँ तक प्रश्न है कि जब सरकारी सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती है तो लोग प्राइवेट सुविधाओं का उपयोग करके उसका उपयोग करने के लिए प्राइवेट लोगों से कांटेक्ट करते हैं। क्या आपको लगता है इसमें जिला चिकित्सालय पर सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल के लोग या दलाल टाइप लोग सक्रिय हैं? हाँ, अभी तो ऐसा लगने लगा कि एक दिन मेडिकल कॉलेज की टीम बैठती है, दूसरे दिन ये बैठती है। जब मैंने आज किसी को बताया है डॉक्टर को, कल डॉक्टर चेंज हो जाते हैं, तो इलाज भी लोगों का प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जिला चिकित्सालय का जहाँ तक प्रश्न है, बेड भी नहीं है, और इसको तोड़ने के पहले कोई योजना नहीं बनाकर इसको तोड़ा गया है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी निंदनीय भी है और लोग काफ़ी उसकी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिला चिकित्सालय पे सभी को ध्यान देना चाहिए और सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जिला चिकित्सा को ठीक करना चाहिए। पहले प्राइवेट संस्थाएँ जितनी थी वे हर काम में लगी रहती थी, प्राइवेट संस्था अपनी जेब से पैसा खर्च करते और सामाजिक संस्थाएँ काम करती थी, लेकिन अब सामाजिक संस्थाओं को पिछले 2 साल पहले सभी को समी समितियों से बाहर किया गया, तब से जिला अस्पताल की अव्यवस्था बनी हुई। शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज राम मंदिर क्षेत्र में दुकानों के सामने लगे अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया और गंदगी के लिए जुर्माना वसूला गया। स्वच्छता में कामयाब होने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम सड़क किनारे लगे अस्थायी अतिक्रमण को हटा रहा है और गंदगी फैलाने पर जुर्माना किया जा रहा है। आज श्री राम मंदिर क्षेत्र में नगर निगम के अमले ने दुकानों के बाहर लगे अस्थायी अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कस्तूरबा नगर चौराहे पर एक दूध डेयरी के बाहर अस्थायी रूप से किया गया पक्के अतिक्रमण को तोड़ा। निगम अमले ने इस दूध डेयरी पर अतिक्रमण के लिए 10,000 के जुर्माने करते हुए नोटिस चस्पा किया। गंदगी पाए जाने पर इस दूध डेयरी के खिलाफ 2,500 रुपए का स्पॉट फाइन किया। राम मंदिर से शुरू हुई नगर निगम की यह कार्रवाई अलकापुरी तिराहे तक जारी रही। इस दौरान कई दुकानदारों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिए। किस तरह की अभियान चल रहा है और कितने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का विशेष सफाई अभियान हमने शुरू किया है, जिसमें अस्थायी अतिक्रमण जितना भी है उन पे हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे जो गंदगी हो रही है उसका स्पॉट फाइन हम स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 से 7 लोगों का वहाँ से स्पॉट फाइन किया है, बाकी सबका जो अस्थायी अतिक्रमण था उनको हमने नोटिस चस्पा किया गया। गंदगी पर कितना फाइन किया और ये अतिक्रमण पर कितना फाइन हुआ है? अस्थायी अतिक्रमण के लिए हमने हटाने के निर्देश दिए हैं और उसका नोटिस चस्पा किया गया हमने, और गंदगी के लिए हमने करीब 7,000 रुपये का भी स्पॉट फाइन। कब तक चलेगी ये मुहिम? यह मुहिम अब लगातार चलेगी, एरिया वाइज डिसाइड करके डेली प्लान बनेगा और मुहिम चलेगी। रतलाम जिले के ग्राम बड़ायला माताजी में एक तेंदुआ गांव में घुस गया। इस तेंदुए ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया। यह तेंदुआ एक मकान में घुस गया, ग्रामीणों ने मकान को बाहर से बंद कर दिया। तेंदुओं को पकड़ने के लिए इंदौर से विशेष दल बुलवाया गया। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू दल को करीब 1.5 घंटा लगा। ग्राम बड़ायला माताजी में आज सुबह करीब 7 बजे एक तेंदुए ने ग्राम के नाथूराम पाटीदार पर हमला कर दिया। वो जैसे तैसे बचकर भागे तो एक अन्य ग्रामीण पर उस तेंदुए ने हमला कर दिया।
दोनों पर हमला करने के बाद वह तेंदुआ एक मकान में जा घुसा। ग्रामीणों ने उस मकान को बाहर से बंद कर दिया। तेंदुए के हमले की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को दी गई। घायल दोनों ग्रामीणों को इलाज के लिए जावरा हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पिपलोदा पुलिस एवं जावरा SDM राहुल धोटे गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास किए। प्रशासन द्वारा इस जानवर को पकड़ने के लिए इंदौर से वन विभाग का रेस्क्यू दल बुलवाया गया। यह दल दोपहर करीब 3 बजे बड़ायला माता जी पहुंचा और रेस्क्यू शुरू किया। मौके पर जिला कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, SP गौरव तिवारी भी मौजूद थे। रेस्क्यू दल ने करीब 1.5 घंटे की मेहनत से इस तेंदुए को पकड़ा।